हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है आपके HTML। तो आप सब लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया होगा। आप सब लोग इंटरनेट पर कई बार गए होंगे। इंटरनेट पे आपने कुछ चेकआउट किया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पबजी है, मान लीजिए पबजी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाओगे। जो मोबाइल गेम है, आप इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे और उसके बाद इंटरनेट पर बहुत सारी पेजेस खुल जाएंगी और उनमें से आप एक एक पेज को आप ओपन करोगे। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ते हो। तो आप सब लोगों ने जो है, जो वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो सब आप लोगों ने देखी है। जो वेब पेजेस होते हैं वो भी आप सब लोगों ने देखे हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि वो बनते कैसे हैं, उसको कैसे बनाया जाता है? कोई भी जो वेब पेज होता है, ठीक है, कोई भी जो वेब पेज होता है वो कैसे बनाया जाता है? तो वेब पेज को बनाने के लिए, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, मान लो कि अगर आप इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करोगे, हिंदी में ऐसे लिख रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज का यूज करोगे। तो वेब पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं HTML। उसको हम लोग बोलते हैं HTML और यही आपके चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, यही आपके चैप्टर का भी नाम है। तो HTML हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो जैसे आपको मालूम चल रहा है कि ये एक लैंग्वेज ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML की फुल फॉर्म होती है। और एक्चुअली में ये होता क्या है, तो HTML जो होता है वो एक लैंग्वेज होती है टू क्रिएट वेब पेजेस। टू क्रिएट वेब पेजेस, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसको हम लोग HTML लैंग्वेज बोलते हैं। टेक्स्ट मार्कअप, टेक्स्ट का मतलब तो वही टेक्स्ट जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, सेम वही टेक्स्ट ए बी सी डी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग लिखते हैं। मार्कअप का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको जैसा बोला गया है करने के लिए वो वैसा ही आएगा। अगर आपने लिखा है टेक्स्ट बोल्ड में होगा तो टेक्स्ट बोल्ड में आएगा, टेक्स्ट स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आएगा। मार्कअप का मतलब होता है कोई भी मार्क देना जैसा आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर सिंपली कह लीजिए HTML जो होता है वो एक लैंग्वेज होती है जिससे हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सबसे पहले, जिससे पहले हम लोग ये टॉपिक शुरू करें, उससे पहले कि वेबसाइट, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इंटरनेट पे खोल के आपको बताऊं, तो जैसे आप ये मैंने गूगल खोला, तो मैंने जैसे यहाँ पे गूगल डॉट कॉम पे मैं गया। ओके, एक सेकेंड। तो ये गूगल डॉट कॉम पे जब मैं गया तो आपने देखा कि ये एक पूरा एक स्क्रीन खुल गया है। अब ये एक वेबसाइट है। गूगल डॉट कॉम क्या है? गूगल डॉट कॉम एक वेबसाइट है। गूगल डॉट कॉम क्या है? गूगल डॉट कॉम एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट है, जैसे गूगल डॉट कॉम एक वेबसाइट है। लेकिन वेबसाइट अगर गूगल डॉट कॉम है तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज होता है कि जैसे आप ये देख रहे हो गूगल साइट पे, इस पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जीमेल, यहाँ पे देख रहे हो ये इमेजेस, नीचे आप देख रहे हो एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, अबाउट, हाउ सर्च वर्क्स। अगर मैं इन पे क्लिक करूंगा तो अलग अलग पेजेस खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक पेज खुलेगा, ये पेज खुल गया, अभी खुल रहा है, ये पेज खुल गया।
देख रहे हो, ये एक पूरा पेज खुल गया, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक वेब पेज हो गया। उसी तरह से अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुल जाएगा, अगर मैं जीमेल पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुल जाएगा, इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेब पेज क्या होता है, वेब पेज जो होता है वो होता है, सॉरी एक्चुअली में वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करोगे, बहुत सारे वेब पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उन तमाम वेब पेजेस को जब आप एक साथ लेकर आओगे तो एक वेबसाइट क्रिएट होगी। कोई भी वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो अलग अलग वेब पेजेस से ही जो है वेबसाइट क्रिएट होती है। लेकिन वेब पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको हम लोग HTML बोलते हैं, ठीक है। तो HTML लैंग्वेज को हमें सीखना है। अब जैसे कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग चीज़ों से बनती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD। जैसे आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनी है। उसी तरह से जो HTML जो लैंग्वेज है वो बने हैं टैग्स से, टैग्स। तो कई सारे टैग्स जो हैं वो HTML में होते हैं। वो टैग्स क्या होते हैं उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आपको से अगर कोई पूछे कि HTML लैंग्वेज किससे बनी है, तो HTML लैंग्वेज काफ़ी सारे टैग्स से बनी है, बहुत सारे टैग्स होते हैं और उन्हीं टैग्स को ही हमें सीखना है HTML को सीखने के लिए। अगर हम एक एक टैग को समझ गए कि एक एक टैग जो होता है उसका क्या यूज़ होता है, तो HTML का यूज़ भी हम लोग समझ जाएंगे। टैग क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी जब बताऊंगा तो। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि HTML को यूज़ करने के लिए क्या आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऑफकोर्स, तो HTML लैंग्वेज लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस में कुछ भी आ सकता है, या तो लैपटॉप आ जाए या आपका PC आ जाए। दूसरा, आपको चाहिए उस डिवाइस के अंदर, एक हर एक डिवाइस के अंदर, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिवाइस चाहिए। क्योंकि डिवाइस के अंदर ही क्या होगा, नोटपैड होता है, नोटपैड वो सभी डिवाइस में होता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे PC हो। कोई नया सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए, कोई नई चीज़ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक नोटपैड जो हर किसी के, नोटपैड या वर्ड पैड, ठीक है, आप कहीं पे भी जो है HTML लैंग्वेज को लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए कोई ना कोई ब्राउज़र, कोई ना कोई ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने इंटरनेट तो सब लोगों ने यूज़ किया होगा, आप लोग 8 स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोगों ने इंटरनेट तो यूज़ किया ही होगा। तो ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये कोई भी एक आपको ब्राउज़र चाहिए। मैं जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करूँगा क्रोम, मैं क्रोम यूज़ करूँगा, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, और मैं नोटपैड यूज़ करूँगा, ओके। तो यही तीन चीज़ आपको चाहिए, कोई नई चीज़ें नहीं चाहिए आपको, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक नोटपैड चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए। मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ क्रोम, आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि HTML एक्चुअली में होता क्या है और HTML के क्या यूजेस होते हैं। इस एग्जाम्पल में अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ आप भी आप लोगों को अपने कंप्यूटर पे बिल्कुल वो टाइप करना है, और उसके बाद आपको जैसा मैं आपसे कहता हूँ करने को वैसा आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग नोट पैड खोलिए, ठीक है। तो सर्च में मैं जाता हूँ, मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, आपके आपके सिस्टम में कोई और विंडो हो सकती है, लेकिन हर सिस्टम का एक ही, मतलब लगभग एक ही यूज़ है, ठीक है, एक ही तरह से होता है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड खोला, ओके। अब नोट पैड में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको अभी समझना नहीं है, ठीक है, समझ तो हम लेंगे ही, समझने के लिए ही हम लोग आए हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आपको वैसे वैसे जो है टाइप कर रहे हैं, ओके। तो आप जो है जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप वैसे वैसे बस खाली टाइप करते जाइए। तो ये आप
इसको मैं फुल व्यू में कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने सबसे पहले टाइप किया HTML। ठीक है, जैसे जैसे आपने टाइप करना है बस खाली वैसे वैसे आप टाइप करो। ये हो गया हेड, ओके, ये टाइटल, माय फर्स्ट। तो मैं अभी बोलूंगा नहीं अभी कुछ, ठीक है, मैं जल्दी से इसे टाइप कर देता हूं उसके बाद ही मैं बोलूंगा। ओके, तो मैंने ये टाइप किया है। आप लोगों को भी एग्जैक्टली जो है अपने सिस्टम में ये टाइप करना है जैसे जैसे मैंने टाइप किया है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये हमारा सबसे पहला एक HTML पेज होगा। दिस इज आवर फर्स्ट HTML पेज। और उस HTML पेज में हम क्या, जैसे आप लोग वेबसाइट खोलते हो तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उस पर लिखी होती है, तो उस पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो हम जो अभी हम लोग अपना पहला वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ये हमारा पहला वेब पेज बन के तैयार हो गया। बस अभी 2 सेकंड में मैं इसको वेब आपको क्रोम पे खोल के बताऊंगा। लेकिन जो आप जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। जो आपका पहला वेब पेज होगा उस पर क्या इंफॉर्मेशन आएगी पता है, उस पर इंफॉर्मेशन आएगी हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप। मान लो आपको ऐसे लिखना है हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप, तो बस खाली इतना ही आपको लिखना है और उसको एक वेब पेज बनाना है जो इंटरनेट पे खुले। तो उसके लिए हम लोगों ने ये लिखा है। ये क्या है हम लोग एक एक चीज को समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक पहला वेब पेज बना के देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे टाइप करना है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है। सेव किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करते हैं, तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, तो आप, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, आप इसको कोई नाम दीजिए, जैसे माय फर्स्ट HTML पेज मैंने नाम दे दिया इसको कि ये मेरा पहला HTML पेज है। तो डॉट में आपको हमेशा, आपको जब भी किसी HTML फाइल को सेव करना है तो आपको हमेशा उसका जो एक्सटेंशन है वो HTML रखना है या HTM रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माई फर्स्ट HTML पेज डॉट HTML। ठीक है, तो ये डॉट HTML लिखना मत भूलना, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, डॉट HTML करके मैंने सेव कर दिया। ओके, तो ये मेरा, अब मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये रहा मेरा ये रहा मेरा माई फर्स्ट HTML पेज डॉट HTML। जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTML होना चाहिए या डॉट HTM होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे इसको क्रोम पर खोलना है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वेब पेज खोलते हो, तो क्रोम पे खोलते हो या ब्राउजर पे खोलते हो, तो मुझे इसे क्रोम पे खोलना है। तो क्रोम पे खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, हो सकता है आपके लैपटॉप में ये जो फाइल सेव हुई हो ये किसी ना किसी ब्राउजर के आइकॉन के साथ सेव हुई हो, तो उस केस में तो आपको क्या करना होगा, अगर किसी ब्राउजर के आइकॉन के साथ सेव हुई होगी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकॉन के साथ सेव हो गई या क्रोम के साथ, तो आपको डबल क्लिक करना है वो खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप क्रोम पे जाओ, क्रोम पे आप जाके कंट्रोल प्लस ओ दबाना है।
कंट्रोल प्लस ओ आपको दबाना है। उसके बाद आपको अपनी फाइल सर्च करनी है। आपने फाइल कहाँ सेव करी थी? डेस्कटॉप पे सेव करी थी। डेस्कटॉप पे आप गए, आपने वो फाइल पे क्लिक किया, आपने ओपन कर दिया और ये देखिए आपका ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपने क्या लिखना था? हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप। तो ये आपका पहला HTML पेज खुल गया और आपको क्या नजर आ गया? हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप। आप चाहते तो कुछ और भी लिख सकते थे। आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे कि हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप की ना लिखने की बजाय आप जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते थे यहाँ पे। हाय हाउ आर यू, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते वो आप लिखते थे और ये आपका आ जाता। आपने टाइटल में क्या लिखा था? माई फर्स्ट HTML। तो ये टाइटल कहाँ आया? ये टाइटल आपके वेब पेज पे नहीं आया, ये टाइटल आया कहाँ? ये आप देख रहे हो ऊपर जो अभी एक एरो घूम रहा है, ये टाइटल आ गया माई फर्स्ट HTML। अगर यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल डालते तो वो टाइटल हमेशा ऊपर आता। तो HTML को कैसे लिखना है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी HTML को लिखना है, कैसे लिखना है आपको समझ में आया होगा। आपको जब भी सेव करना है डॉट HTML में सेव करना है और ओपन कैसे करना है उसको, तो वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये आप लोगों ने पहला HTML पेज बना लिया। अब हमको सीखना है कि ये एक्चुअली में है क्या, ये HTML, ये हेड, ये टाइटल, ये सब क्या है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो HTML होता है कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो अल्फाबेट से बनती है, जो HTML लैंग्वेज है वो टैग से बनी है। तो HTML लैंग्वेज जो है वो किससे बनी है? HTML लैंग्वेज बनी है टैग से। डिफरेंट डिफरेंट टैग से जो है HTML लैंग्वेज बनी है। और टैग्स क्या होते हैं, जो आप लोगों ने अभी देखा ना, कि जैसे आप लोगों ने देखा ये, ऐसे आप लोगों ने देखा HTML, ये एक टैग है। उसी तरह से आपने एग्जाम्पल देखा टाइटल, ये एक टैग है। उसी तरह से आपने एग्जाम्पल देखा ऐसे हेड, ये एक टैग है। तो एटसेट्रा, तो ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैग्स। तो ये क्या है? ये टैग्स हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैग्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टैग्स। तो जो HTML है वो इसी तरह से अलग अलग टैग से मिलकर बना है। आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग टैग से ही मिलकर ये HTML बना है। HTML, हेड, टाइटल, और तो ये एग्जाम्पल है टैग्स की। और इन्हीं टैग्स को आपको समझना है। एक एक टैग को आप समझते जाओगे आपको HTML भी समझ में आता जाएगा कि HTML एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी जो HTML होता है, ठीक है, कोई भी टैग जब आप शुरू करते हैं ना, एक चीज आपको ये समझनी है कि कोई भी टैग जब आप शुरू करते हैं तो उसको आप खत्म भी करते हैं। कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट जो होगा, कोई भी HTML की जो फाइल होगी वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमेशा स्टार्ट होगी HTML से और हमेशा एंड भी होगी HTML से। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब आप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे HTML, और जब आप बीच में आपने कुछ 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 लिखा, ठीक है, और जब आप एंड करेंगे तो हमेशा ऐसे एक साइन बनाएंगे, उसके बाद ये, उसके बाद HTML, और उसके बाद ऐसे बंद करेंगे। तो ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया एंड। कोई भी HTML उठा लो, चाहे वो कितना है, कोई भी HTML वेब पेज उठा लो, कोई भी उसकी कोडिंग उठा लो, हमेशा स्टार्ट HTML से ही होगा। एंड जो है वो इस तरह से होगा, जिसमें आप एक एरो का, इसमें आप एक लेस देन का साइन बनाएंगे, उसके बाद एक स्लैश, फिर HTML, और फिर उसके बाद आप एक दूसरा साइन बनाएंगे इस तरीके का, जिसको आप कह लीजिए मोर देन का साइन आप बनाएंगे, और उसको बाद उसके बाद उसे क्लोज कर देंगे। कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट इसी तरह से स्टार्ट होगा और इसी तरह से एंड होगा। नॉट जस्ट दिस, बट इसके अलावा कोई भी जो टैग होता है जब आप उसको शुरू करते हैं, तो आप उसको जब शुरू करते हैं तो आप हमेशा ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है, और जब आप उसको एंड करते हैं तो हमेशा ऐसे एंड करते हैं, ठीक है। हमेशा ये होता है स्टार्ट का करने का तरीका और ये होता है एंड करने का तरीका। अब बीच में कुछ भी आ सकता है, जैसे बीच में अगर आपने लिखा टाइटल, टाइटल जैसे एक टैग आप लोगों ने पढ़ा था टाइटल, ठीक है, जैसे एक टैग था टाइटल, तो उस टैग को जब आपने शुरू किया तो आप ऐसे लिखोगे टाइटल, और जब उसको खत्म करोगे तो ऐसे लिखोगे टाइटल, ठीक
ठीक है, खत्म करने पे एक बीच में स्लैश आता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक स्लैश आया था, ठीक है। तो टैग कोई भी टैग हो, चाहे टाइटल का टैग हो, चाहे हेड का टैग हो, चाहे HTML का टैग हो, हमेशा शुरू कैसे करना है और एंड कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। अब टैग का यूज क्या होता है, एक्चुअली में हम लोगों को वो समझना है कि टैग्स का यूज क्या होता है। ओके, तो HTML टैग, अलग अलग टैग हम लोगों ने पढ़े, जैसे ये HTML एक टैग है, टाइटल एक टैग है, हेड एक टैग है, बॉडी एक टैग है, उसी तरह से आप और भी टैग्स पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो उन्हीं टैग्स को ही हमें पढ़ना है, इनका यूज क्या होता है। अब हम लोगों को ये समझना है कि इनका यूज क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑल HTML फाइल, जितने भी HTML फाइल्स होंगे, सबसे पहला जो टैग होता है HTML और ये HTML, वो तो सिर्फ एक स्टार्ट और एंड करने का तरीका होता है। कोई भी जो HTML का फाइल होगा वो हमेशा HTML से शुरू होगा, यानी ऐसे शुरू होगा और हमेशा ऐसे एंड होगा, ठीक है, हमेशा ऐसे शुरू होगा, हमेशा ऐसे एंड होगा। ओके, उसके बाद आता है हेड टैग, उसके बाद आता है हेड टैग। क्या आता है? हेड टैग, आपने लिखा ऐसे हेड, जैसे आप इसमें देख सकते हो, जो आपने पहला वेब पेज बनाया था यहाँ पे लिखा आप लोगों ने हेड, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया, नीचे जाके हम लोगों ने क्या किया, हेड को ऐसे क्लोज कर दिया। अब हेड टैग का क्या यूज होता है, तो वो आप धीरे धीरे समझोगे। हेड का आप ये मतलब समझ लीजिए कि ये जो हेड टैग होता है, इसके बीच में आता है टाइटल, इसके बीच में क्या आता है, टाइटल। तो यहाँ पे आया टाइटल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टाइटल, और टाइटल का क्या मतलब होता है, कोई भी, जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप अपना पहला वेब पेज खोलेंगे तो ये आपका टाइटल हुआ, तो आपके वेब पेज का आप कोई टाइटल देना चाहेंगे कि मान लीजिए कुछ भी आप बना रहे हैं तो कोई टाइटल दोगे ना उसको। अब वो टाइटल आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, वो टाइटल आपके ऊपर शो करेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। तो वो टाइटल देने के लिए आता है, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा टाइटल, और टाइटल के बाद आप लोगों ने लिखा कि यहाँ पे मान लो टाइटल, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आप लोगों ने, XYZ लिख दिया मान लो, कोई ये टाइटल हो गया XYZ, और उसके बाद आपने टाइटल को क्या किया, क्लोज किया। आपको लिखना कैसे है ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप टाइटल लिखोगे तो टाइटल को ऐसे शुरू करोगे, बीच में आपने कोई भी टाइटल देना है, उसके बाद आप लोगों ने टाइटल को क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया। तो और उसके बाद टाइटल वाला टैग जो आएगा वो हमेशा हेड टैग के बीच में आएगा, ये देखो हमेशा इनके बीच में आएगा। हेड टैग जो होता है ना, हेड टैग, टैग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, आप टैग से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे। टैग क्या होता है, HTML जो है वो बहुत सारे, जैसे कोई भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको अल्फाबेट से बना है, ABCDEF, उसी तरह से HTML लैंग्वेज अलग अलग टैग से बना है, जैसे हेड, टाइटल, बॉडी, उसी टाइप से। तो हेड टैग हम लोग सीख रहे हैं, तो हमेशा हेड टैग जो होता है वो टाइटल देने के काम आता है, वो हेडिंग देने के काम आता है, ठीक है। कि आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो कोई पेज अगर आप सर्च करोगे तो उस पेज का कोई ना कोई टाइटल होगा ना, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ, तो वो टाइटल देखने के काम आता है क्या, आपका हेड टैग। तो जब भी आपको कोई टाइटल लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हेड, उसके बाद लिखोगे टाइटल, उसके बाद बीच में लिखोगे यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है वो दोगे, और उसके बाद हेड को क्लोज करोगे और टाइटल को क्लोज करोगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी टैग शुरू करोगे तो उसको क्लोज भी करोगे, ठीक है। हेड और क्लोज कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया ही है। तो आपको हेड टैग और टाइटल टैग समझना आया होगा। हेड टैग और टाइटल टैग हेडिंग देने के लिए या टाइटल देने के लिए यूज होता है। हेड टैग के और भी यूज होते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। अच्छा, टाइटल देना कोई जरूरी तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं कोई चीज बिना टाइटल दिए बना दूं। बिल्कुल हो सकता है ये चीज कि कोई भी चीज मैं बिना टाइटल दिए बना दूं। तो इसीलिए ये जो हेड और टाइटल टैग होता है ये ऑप्शनल होता है। हो सकता है कि किसी किसी आपको HTML फाइल में मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन इट इज ऑलवेज ए गुड थिंग टू इंक्लूड इट, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, और ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड हेड टाइटल, हेड टाइटल
इन HTML फाइल। ठीक है, HTML फाइल में हालांकि ये ऑप्शनल होता है लेकिन आप इंक्लूड कर सकते हो, ये एक गुड प्रैक्टिस होता है, आप इसे कर सकते हो इंक्लूड। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक नया टाइटल समझते हैं और वो है बॉडी, बॉडी टाइटल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये टैग है बॉडी टैग। ठीक है, अब ये बॉडी टैग का क्या काम होता है कि आपने बॉडी टैग शुरू किया तो शुरू करोगे तो उसको ख़त्म भी करोगे, तो यहाँ पे मान लो आपने उसे ख़त्म किया, और ख़त्म कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे, क्लोज कैसे करोगे, इस तरह से करोगे कि आप लोगों ने इस तरह से उसे क्लोज किया। इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ना, जो भी आप लोगों ने बॉडी के बीच में लिखा, आप मान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कोई वेब पेज बना रहे हो, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर कोई वेब पेज बना रहे हो तो उसके बीच में आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखोगे कि ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, तो आपको मान लो ऐसे लिखना है, तो आप वो चीज़ कहाँ लिखोगे, वो चीज़ आप लिखोगे बॉडी में। ठीक है, वो चीज़ आप कहाँ लिखोगे, बॉडी टैग के अंदर। तो जो मेन कंटेंट होता है ना किसी भी HTML पेज का, जो मेन कंटेंट होता है वो हमेशा बॉडी टैग के बीच में लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, हम लोगों को अपने पहला वेब पेज जब हमने बनाया था तो हम लोगों का मेन कंटेंट क्या था, हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप। तो हम लोगों ने ये जो मेन कंटेंट लिखा था ये किसके बीच में लिखा था, बॉडी के टैग के बीच में लिखा था। ठीक है, बॉडी टैग के बीच में। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन पे अगर मान लो जो कोई बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉडी टैग के बीच में टाइप करोगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट, इस तरह से आप पूरा टाइप करोगे। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। ठीक है, इस टाइप से आप पूरा अपना बॉडी टाइप करोगे और जो भी आप लोगों ने टाइप किया है वही आपके वेब पेज पे शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है बॉडी टैग, जिस जो आपका मेन जो वेब पेज है उसका मेन कंटेंट जो होता है वो बॉडी टैग के बीच में आता है। ओके, तो आज मैंने आप लोगों को जो है HTML का थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाया है। ठीक है, अब हम लोग ये वाली जो क्लास है मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को, आप लोग क्या कीजिएगा घर में जाके, बस इतना ही कीजिएगा कि जो मैंने आप लोगों को ये बताया था, आप बस इतना ही कीजिएगा कि इसको आप टाइप करके उसको हेलो वर्ल्ड, आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड के बीच में आप कुछ भी लिख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। ठीक है, टाइटल को चेंज करके देखो। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने टाइटल लिख दिया, मान लो अल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, मान लो बॉडी में ही वॉज अ साइंटिस्ट, और आप इस तरह से आप करके देखो कि वो चीज़, और फिर उसके बाद उसको रन करो, HTML को रन करो। रन करो यानी क्या, क्रोम पे जाओ और उसको रन करके देखो कि जो आपने लिखा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह से आप करके देखो। तो ये बॉडी होता है, ये बॉडी टैग के बीच में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काम आप लोग कीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।